हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रविवार को जूनी इंदौर स्थित आनंद बौद्ध विहार परिसर में आनंद बौद्ध विहार निर्माण समिति के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सह सचिव के पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कुल 12 प्रत्याशी खड़े हुए थे। चुनाव के लिए जूनी इंदौर के बौद्ध समाज के लोगों ने काफी उत्साह के साथ मतदान किया। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चले मतदान का प्रतिशत 73.82% रहा। इस चुनाव को लेकर समाज के लोगों में उत्साह इसलिए भी था क्योंकि इंदौर शहर में पहली बार किसी बौद्ध विहार की निर्माण समिति के लिए चुनाव हो रहा था। प्रत्याशियों व समाज सहित पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर राहुल मिटांगे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि समाज में पिछले 1.5 माह से चुनाव के लिए कार्य चल रहा था, जिसमें उनके साथ अमोल इंगले, विकास झनके और अन्य युवा एवं वरिष्ठ साथी कॉलोनी में बौद्ध समाज के लोगों की सर्वे सूची व गणना का कार्य कर रहे थे। चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए प्रत्याशियों और समाज के लोगों में एक समन्वय स्थापित किया जा रहा था, जिसके लिए हर पहलू पर ध्यान देते हुए प्रत्याशी सहित समाज के लोगों को हर स्तर पर नियम के तहत सुविधा दी जा रही थी। मतदान के पूर्व आनंद बौद्ध विहार में दीप प्रज्वलन कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की गई। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बाहर से अन्य समाज के लोगों को चुनाव अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें रघुवीर मरमट मुख्य चुनाव अधिकारी बने तथा अभिषेक पाटीदार वरिष्ठ चुनाव निरीक्षक एवं जयेश विश्वकर्मा चुनाव निरीक्षक के रूप में मौजूद रहे। मतदान के बाद शाम 7 बजे से पुलिस बल की मौजूदगी में सभी 12 प्रत्याशियों के सामने मतगणना का कार्य शुरू हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए दिनकर अंबोरे, रवि वानखेड़े, विनोद वानखेड़े, इन तीनों में से रवि वानखेड़े ने कुल 197 मत प्राप्त कर अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की। उपाध्यक्ष पद पर भीमराव वानखेड़े और मिथुन पवार, इन दोनों में से मिथुन पवार कुल 231 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष पद पर विजेता रहे। सचिव पद पर पंचशीला निकाड़जे, वामन राव दाड़गे, अविनाश बाघ, इन तीनों में से पंचशीला निकारजे कुल 170 मत प्राप्त कर सचिव पद पर विजय रहे। कोषाध्यक्ष पद पर रमेश निम्बाटकर, विभीषण नाइक, गौतम सोनो ने इन तीनों में से रमेश निम्बाटकर कुल 187 मत प्राप्त कर कोषाध्यक्ष पद पर विजय रहे। सह सचिव पद पर जितेंद्र वानखेड़े 360 मत प्राप्त कर निर्विरोध विजयी रहे। चुनाव परिणामों की घोषणा मुख्य चुनाव अधिकारी रघुवीर मरमट ने की। सभी विजेता प्रत्याशियों का समाज के लोगों ने हार फूल से स्वागत सम्मान कर बधाइयां दी। सभी विजेता प्रत्याशियों ने कहा कि हम सब लोग समाज के साथ समन्वय बनाकर बौद्ध विहार के विकास, निर्माण व समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। अंत में अमोल इंगले ने शपथ विधि समारोह की तारीख घोषित की तथा पुलिस प्रशासन सहित सभी लोगों का आभार विकास झनके ने माना। उनको होना ही नहीं चाहिए, यहाँ इस एरिया में नहीं होना चाहिए। क्या पता क्यों घूम रहे हैं? वोट डालने तो आएंगे? हाँ सर, नहीं है प्रत्याशी सर। Thank you.
सर, ये आज का दिन जो कि 17 अप्रैल 2022 इंदौर शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इंदौर बौद्ध समाज का आज पहली बार किसी आनंद बुद्ध विहार, जो कि जो बौद्ध समाज के जो विहार होते हैं, वो आज पहली बार किसी कॉलोनी में, किसी वार्ड के अंदर जो है बौद्ध समाज का एक चुनावी प्रक्रिया के दौरान निर्माण समिति का एक गठन होने जा रहा है। इसमें कुल 12 प्रत्याशी अलग अलग पदों पर खड़े रहे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष पद रहे हैं। तो इन 12 प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी उत्साहित माहौल था, समाज भी काफ़ी इसमें उत्साहित था, जिसमें कि बहुत जो वोटर थे समाज के, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चूँकि अभी यहाँ पर प्रत्याशी बैठे हुए हैं, तो मैं उसका परसेंट रेट सार्वजनिक तौर पर अभी घोषित नहीं करूँगा, लेकिन एक उत्साह का माहौल था जबरन कॉलोनी जुनिंदौर के अंदर, आनंद बुद्ध विहार परिसर के अंदर, कि आज एक इतिहास का दिन गढ़ा है यहाँ के लोगों ने। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह से संविधान की रचना की है, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है, क्या लगता है कि आज जो आनंद बुद्ध विहार में जो पहली बार चुनाव हुए, एक अच्छी शुरुआत है मोहल्ले के हिसाब से, क्या कहना चाहिए? जी सर, जैसे कि मैंने बताया कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, तो जिस तरीके से बाबा साहब ने एक इस देश को, इतने बड़े देश को एक इतना बड़ा संविधान दिया है, उसमें पूरे देश को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या नियम कायदे पालन करना चाहिए, किस तरीके से देश को चलाना चाहिए, किस तरीके से लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए, ठीक उसी तरीके से हम भी इन 12 प्रत्याशियों में से जो आज यहाँ पर विजयी होंगे, 5 प्रत्याशी, और वो जो आगे चल के अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे 11 या 21 लोगों के, हम उनसे यही चाहेंगे कि वो समाज के हित में लगातार कार्य करते रहें, आनंद बुद्ध विहार निर्माण समिति में रह करके वो निर्माण का कार्य करते रहें, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियाँ संचालित करते रहें, जिससे कि समाज का जो है कि एक प्रगति हो और उसका उत्साहवर्धन हो। आपका परिचय? मुरलीधर राहुल मेटांगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता। आप चुनाव अधिकारी? जी सर, खैर बोलना तो नहीं चाहिए कि मैं एक चुनाव अधिकारी हूँ, बाकी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ आज के दिन, कि समाज के लोगों ने मुझ पर एक विश्वास जताया, और पूरी जो इसकी जिम्मेदारी थी वो मेरे साथ अमोल इंगले जी और हमारे छोटे भाई विकास झनके जी, इनके कंधों पर डाली, और हमने इस चुनावी प्रक्रिया को एक पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए जो है बाहर से भी लोगों को आमंत्रित किया। एक मुख्य चुनाव निरीक्षक, मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में हमने आदरणीय रघुवीर मर्मट जी को आमंत्रित किया, वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के रूप में हमने अभिषेक पाटीदार जी को आमंत्रित किया,
और एक चुनाव अधिकारी के रूप में जो है, जो कि यंग हैं, वो हमने जयेश विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया। इनके सानिध्य में अभी जो है यहाँ पर काउंटिंग का कार्य चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा और लोगों के दिलों की धड़कन जो है, जो अभी हार्ट बीट जो है जो तेज है, वो बहुत जल्दी जो है मतलब एक उत्साह के साथ में खुल जाएगी कि बहुत अच्छा दिन है। कि जो ये निर्माण समिति का चुनाव हुआ है, जो 12 सदस्य हमारे खड़े हुए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव, कोई भी जीते कोई भी हारे, अगर जीतेंगे भी तो भी हम चढ़बढ़ के काम करेंगे और हारेंगे भी तो भी हम चढ़बढ़ के समाज के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि हमको केवल आनंद बुद्ध विहार का निर्माण करना है और इसीलिए निर्माण समिति की स्थापना की गई है। बड़ा हर्ष की बात है यार, जिरेंद्र सिद्धार्थ नगर के अंदर चुनाव हो जा रहे हैं आनंद बुद्ध विहार के ऊपर, बड़ी खुशी की बात है। पहले चक्कर इंदौर के अंदर, इतने बड़े इंदौर के अंदर पहले चक्कर चुनाव लड़ाया जा रहा है और सभी प्रत्याशी विश्वास पर रख के काम करेंगे।